देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक साथ तीन बिजनेस। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक ये लेयर पोल्ट्री फॉर्म है, ये अंडे देने के लिए मुर्गियां रखी गई हैं ऊपर, मैं आपको अंदर से अभी दिखाऊंगा। और नीचे के साइड में इसका वेस्ट है जो निकल जा रहा है। तो ये पूरा प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, मतलब 8000 प्लस मुर्गियों का पूरा सेटअप है ये। तो ये आपने इस यहाँ का सेटअप देखा जो कि लेयर पोल्ट्री फॉर्म का था। अब इसके बगल में यहाँ पे पोखरा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक साथ अगर आपके पास एरिया काफ़ी है और आप चाहते हैं तो एक साथ में आप तीन तरीके का बिजनेस कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने अंडे के लिए सेटअप किया हुआ है जैसा मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पोखरा भी खनवा के रखा हुआ है मछली पालन के लिए। इस तरीके से आप अपना पोखरा भी करवा सकते हैं। और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक पोखरे के उस साइड में इन्होंने और भी चार सेटअप रखे हुए हैं। वो सेटअप है, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, हाँ वो जो आप सेटअप देख रहे हैं वो चिकन जो मीट के लिए यूज़ में आते हैं उनके लिए उन्होंने चार सेटअप उधर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इनका पोल्ट्री फॉर्म पुराना लग रहा है, मतलब जो लेयर पोल्ट्री फॉर्म है। बाकी इन्होंने ये जो अभी मछली का सेक्शन सेट किया है ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, और वहाँ पे इन्होंने चिकन के लिए सेटअप किया हुआ है। तो एक तरीके से अगर आपके पास एरिया काफ़ी है तो आप चाहें तो एक बार में इस तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, इससे आपको बेनिफिट अच्छा होगा। तो मुझे एक अच्छा वीडियो लगा, मैं लखनऊ साइड जा रहा था और ये अतरौलिया पड़ता है रास्ते में, अतरौलिया के पास में लेफ़्ट साइड रोड में जब आप जाइएगा हाईवे से तो लेफ़्ट साइड आजमगढ़ से अगर आप आते हैं तो वहाँ पे मैंने इसको देखा। तो मैं रुक के बस मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली कि अगर कोई बंदा इस तरीके की फार्मिंग करना चाहता है तो एक ही जगह पे तीन सेटअप कर सकता है, जैसे आपने अंडे का कर लिया, मछली का कर लिया और उसके बाद मीट का कर लिया। तीन तरीके की फार्मिंग आप एक साथ कर सकते हैं, आप बस सकते हैं, बात यह है कि आपके पास एरिया थोड़ा होना चाहिए। तो चलिए ऊपर चल के आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर कैसे सेटअप किया हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था और साइड में खाने की व्यवस्था, ऊपर के साइड पानी, नीचे के साइड में इनका फीड वाला सिस्टम है और इसी केज के अंदर अंडे देने का भी सेटअप है, वहीं से पीछे अंडा चला जाता है और जो वेस्ट है वो नीचे की तरफ चला जाता है, इस तरीके का इसका सेटअप है। तो ये पूरा सेटअप इन्होंने किया हुआ है। ये 8000 बर्ड्स का मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, उसके बगल में भी है। फ़िलहाल इसमें अलाउ नहीं था अंदर आना, इनके ओनर नहीं थे, नहीं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इसकी और कलेक्ट हो पाती कि कितना खर्च वगैरह आया। बट फिलहाल अभी इसको आप देख सकते हैं, इस तरीके का सेटअप आप कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तीनों सेटअप अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पानी के लिए इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, टैंक लगाया हुआ है और इसी के थ्रू एक पानी का सिस्टम बनाया हुआ है जो सीधे सीधे मुर्गियों के पास पहुंच जाता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। और अंडे पैक करने के लिए इन्होंने अपना खुद का सेटअप यहाँ पे किया हुआ है, इसके अंदर अंडे रखे हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं, यहीं से पैक होकर ये चले जाते हैं। साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लीन है ये फॉर्म, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरीके की फार्मिंग करना चाहते हैं, लेयर पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलना चाहते हैं, तो आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। देखिए कितना ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत ही व्यवस्थित बनाया है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर आप खोलना चाहें तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना होगा, इन्फेक्शन बचाना होगा, नहीं तो आपका लाखों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अंडे साइड में पानी के लिए ये पूरा सेटअप किया हुआ है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पानी चला जाता है, उसके नीचे फीड हैं और उसके ठीक नीचे आपका जो है अंडे का सिस्टम है, अंडा वहाँ से नीचे आ जाता है। इस तरीके से पूरा ये केज का सेटअप किया जाता है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट करेंगे तो कुछ टाइम तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उस टाइम आपको ध्यान देना होगा, रख रखाव, साफ़ सफाई, इन्फेक्शन वगैरह से बचाना होगा, तभी आप इस बिज़नेस को चला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ स्टार्ट किया और तुरंत ही ग्रो कर जाएगा तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक इन्फेक्शन आपकी सारी मुर्गियाँ ख़त्म और आपका सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से करना होगा। तो मुझे एक अच्छा आइडिया लगा कि एक साथ में हम तीन फार्मिंग कर सकते हैं, अंडे की कर सकते हैं, मछली की कर सकते हैं और मीट की कर सकते हैं। तो मुझे एक अच्छा आइडिया लगा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट की।
जी। अच्छा खाने के लिए ये वाला फीड आप देते हैं? जरा सा नीचे उतर सकता है क्या? हाँ। संभाल के कम एक लेयर करके। अच्छा ये गोदरेज का प्रोडक्ट है, कितने का पड़ जाता होगा ये? तो 50 की। चलिए कोई नहीं, इसको आप कर दीजिए फीड के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।